जब SMC बन जाती है तो SMC की एक अहम जिम्मेदारी होती है कि अपने विद्यालय के लिए हर साल एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना, सिर्फ बनाना नहीं उसे इम्प्लीमेंट भी करना। और ये हेड टीचर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इसकी पहल करें, सबको साथ में लें, सारे सदस्य को साथ में लें और स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान होता है उसे बनाने में वो इनिशिएटिव लें, खुद आगे बढ़ के इनिशिएटिव लें। स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो होता है वो विद्यालय के लिए उस साल का एक गाइड की तरह काम करता है और समय समय पर हमें ये याद दिलाता रहता है कि ये जो पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर है उस एकेडमिक ईयर में हमें विद्यालय के लिए क्या चीज हासिल करनी है। तो इसीलिए सही तरीके से और सबसे साथ सबके साथ मिलके अगर हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते समय सबको साथ में लेके इसका इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये विद्यालय के विकास में बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। सरकारी नियम के अनुसार ये जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान होता है वो हर एकेडमिक ईयर के 2 महीने पहले बनता है और स्कूल डेवलपमेंट प्लान सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि SMC SMDC के सदस्य हो गए, पंचायत के प्रतिनिधि हो गए, कुछ पेरेंट्स हो गए, खास करके समुदाय के वो लोग जो विद्यालय के विकास में हमें सहयोग कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज विद्यालय का जो कैबिनेट होता है, बच्चों का जो स्कूल कैबिनेट होता है उसको साथ में लेके स्कूल डेवलपमेंट प्लान हम बनाए। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब आप स्कूल डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं उससे पहले एक प्रधान शिक्षक की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो एक नोटिस के माध्यम से, एक फॉर्मल नोटिस के माध्यम से जिन लोगों को भी आप बुलाना चाहते हैं, जिन लोगों को भी आप ये प्रोसेस में शामिल करना चाहते हैं उन सबको नोटिस भेजें। नोटिस के माध्यम से उन सबसे समय से पहले कौन सा दिन और कौन सा समय में ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना है उसे साझा करें, उसका सूचना उन्हें दें और ये भी सूचना दें कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाते समय आप क्या गतिविधि करने वाले हैं और आपको उनसे किन प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है, आप उनसे किस प्रकार की सहयोग चाहते हैं। जरूरत पड़े, अगर आपको जरूरत लगे तो जो SMC SMDC के सदस्य हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलें। स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो होता है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं, उसकी उनको समझ दें और उन्हें जैसे भी उन प्रोसेस में शामिल होने के लिए निमंत्रण करें। केवल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य नहीं, उन सबको इन प्रोसेस में शामिल करें जो भी आपको लगता है कि विद्यालय के विकास में आपका सहयोग कर सकता है, उन सबको इस प्रोसेस में जोड़ें। स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाते समय सबसे पहला चरण उसका होता है कि हम अपने विद्यालय का मूल्यांकन करें, जो पिछले वर्ष के हासिल तथ्यों के आधार पर इस साल के लिए हम अपने विद्यालय का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन में सभी पहलुओं की चर्चा करें और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये मूल्यांकन करें, ना कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप सबको याद होगा कि हमने 2 साल पहले ताला सिद्धि कार्यक्रम के तहत अपने विद्यालय का मूल्यांकन किया था और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया था। हम उसी मूल्यांकन को आधार में ले सकते हैं या फिर उसी को एक बार और रिव्यू करके अभी इस साल के लिए क्या क्या जरूरतें हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये जो पहलुओं हैं, जो विभिन्न पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है मूल्यांकन करते समय, वो ये हो सकते हैं। एक तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर
जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसे उसका रखरखाव कैसे कर सकते हैं, उसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं, दूसरा और क्या जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम नहीं बनाने की आवश्यकता है, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारे पास कितने टीचर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ, उसकी मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें हम कैसे इम्प्रूव ला, अभी क्या स्थिति है और उसमें हम कैसे इम्प्रूव ला सकते हैं, उसके बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारे जो लाइब्रेरीज हैं, हमारे जो लेबोरेटरीज हैं, वो साइंस लैब हो गया या फिर कंप्यूटर लैब हो गया, जो भी बच्चों की पढ़ाई में मदद करती हैं, वो जो साधन हैं उनकी क्या स्थिति है और उनमें क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, ये मूल्यांकन किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात जो विद्यालय के जो बच्चे विद्यालय आने चाहिए, खास करके पिछड़े वर्ग के और गर्ल्स, हमारे जो फीडर स्कूल्स हैं, जो फीडर विलेज हैं जहां से बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, हमें ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उन गांव में कोई ऐसी गर्ल्स या फिर कोई ऐसा बच्चा जो पिछड़े वर्ग का हो, जिसको कि स्कूल लाना चाहिए लेकिन किसी कारणवश नहीं आ रहा हो, तो उसको जरूर ध्यान देनी चाहिए और उनकी नामांकन बढ़ाने की भी मूल्यांकन हमें करनी चाहिए अपने विद्यालय में। जब हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं तो इसकी भी मूल्यांकन एक तो होनी चाहिए। और एक खास बात, विद्यालय का जो एनवायरमेंट है, जो कैंपस है, उसको कैसे बच्चों के लिए सुरक्षित बना सके, बच्चे स्वस्थ हों उन एनवायरमेंट में और सुरक्षित हों, इसको ध्यान में रखते हुए हमें विद्यालय की मूल्यांकन भी करनी पड़ेगी। और एक खास बात, जो समुदाय से विद्यालय का जोड़ना, हमारे SMC और SMDC का मीटिंग नियमित होना, इन सब में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसमें भी हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो जब हम इन सब की मूल्यांकन करेंगे और विद्यालय के जरूरतें निकालेंगे, तो हो सकता है बहुत सारी जरूरतें निकल के आए। और ये भी सच है कि हम सारी जरूरतों को एक साथ एक साल में पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए जो दूसरा चरण होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान का, ये होता है कि हम जो जरूरतें निकल के आई हैं उसमें फिर से एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, इस साल के लिए क्या क्या जरूरतें हमें बिल्कुल इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, और कैसा करके भी इस साल में ये हमें हासिल करना है, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। प्रायोरिटी लिस्ट बनाते समय ये जरूर ध्यान में रखें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनकी सुरक्षा में मदद करते हैं, पिछड़े वर्ग और गर्ल्स की एनरोलमेंट में हमें सपोर्ट करते हैं, और खास करके विद्यालय में बच्चों के जो लर्निंग इम्प्रूवमेंट है, विद्यालय का जो रिजल्ट है वो कैसे इम्प्रूव होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। एक बार सबने मिलके प्रायोरिटी लिस्ट बना लिया, तय कर लिया कि इस साल में हमें क्या क्या अपने विद्यालय के लिए हासिल करना है, तो फिर आगे का स्टेप होता है उन सारी जरूरतों को लेके हम अपनी इस साल का स्कूल डेवलपमेंट प्लान योजना बनाएं। योजना बनाते समय कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिनको कि ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि विद्यालय में नामांकन वृद्धि कैसे करें, विद्यालय का ड्रॉपआउट कैसे रोकें, विद्यालय में जो रिटेंशन है उसे कैसे बढ़ाएं, और खास करके जो गर्ल्स हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो CWSN बच्चे हैं, उनका नामांकन कैसे विद्यालय में बढ़ाया जा सके। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो जिन गांव से जिन विद्यालय से बच्चे हमारे विद्यालय को आते हैं पढ़ने आते हैं, जिन गांव से विद्यालय को आते हैं, उन गांव में कोई भी एक गर्ल्स ऐसा ना रहे जो जिसका कि विद्यालय आना चाहिए वो नहीं आ रही है, कोई पिछड़ा वर्ग का बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको कि विद्यालय
आना चाहिए, लेकिन वो किसी कारण नहीं आना। तो सबसे पहली चीज जो होता है वो इसको ध्यान में रख के योजना बनानी चाहिए कि हम विद्यालय में ड्रॉप आउट कैसे रोकें, रिटेंशन कैसे बढ़ाएं और एनरोलमेंट कैसे बढ़ाएं। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमें योजना बनानी चाहिए वो है विद्यालय का रिजल्ट, बच्चों का लर्निंग आउटकम, वो कैसे इंप्रूव हो। और विद्यालय के जो रिजल्ट है, खास करके अगर 10वीं कक्षा के अगर बोर्ड की रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसे थोड़ा हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं योजना बनाते समय। अगर इस साल हमारे 80% बच्चे पास हुए हैं क्लास 10 बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो हमें ये योजना बनाने की आवश्यकता है कि ये जो 80% है उसे हम कैसे बढ़ाया जा सके, उसे 90 में कैसे लेके जा सकते हैं और उसे 95 में कैसे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हम विद्यालय का जो प्रदर्शन है, विद्यालय का जो रिजल्ट है, उसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए योजना बना सकते हैं। फिर जो विद्यालय में साधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी, उसका मेंटेन कैसे करें, उस पर भी योजना बनाने की आवश्यकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और साथ में ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि बच्चों की, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सुरक्षा, इनको लेके और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता है, उस पर योजना बनानी चाहिए। जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, जो क्लासरूम ट्रांजेक्शन प्रोसेस है, जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है विद्यालय, वो किस स्थिति में है और उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या साधन हम इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। केवल टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस नहीं, विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटीज की भी आयोजन होनी चाहिए और उसकी भी योजना बननी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि जो विद्यालय का कैंपस है वो स्वस्थ हो और सुरक्षित हो, उसे ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। और जो हमारी मैनेजमेंट कमिटीज हैं, जो अभिभावक हो गया या फिर समुदाय से हम लोगों का जोड़ना हो गया, वो उसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए हम योजना बना सकते हैं। और एक चीज योजना बनाते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि योजना को जब हम कारगर करने जाएंगे, इंप्लीमेंट करने जाएंगे, तो हमें फंड्स की आवश्यकता होगी। तो हमें ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमारे पास अभी विद्यालय में कितने फंड्स अवेलेबल हैं और आने वाले साल में हमें सरकारी अनुदान कितने मिल सकते हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी योजना आगे बना सकते हैं। योजना बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसे इम्प्लीमेंट में कैसे लाएं। तो जब योजना बन जाती है तो सबसे पहले तो हेड टीचर और जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं वो ये करें कि योजना की जो एक कॉपी है उसे पंचायत के साथ साझा करें, उसको एक कॉपी पंचायत में सबमिट करें। क्योंकि आपने जो जरूरतें खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरतें अपनी योजना में निकाली हैं, आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनसे बहुत सारी चीजें आपको पंचायत की तरफ से हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए, और सरकारी नियम भी है कि जब आप योजना बना लें तो उसका एक कॉपी आप पंचायत में सबमिट करें। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप योजना बनाने के तुरंत बाद SMC और हेड टीचर्स मिलके एक कॉपी पंचायत में सबमिट कर लें। सिर्फ सबमिट नहीं करें, जो पंचायत की मंथली मीटिंग होती है, ग्राम सभा होती है, उसमें उपस्थित रहें और जो प्रोग्रेस है उस योजना के आधार पर, जो प्रोग्रेस हुआ है, कुछ चीजें पंचायत से मिली हैं, नहीं मिली हैं, वो सारी चीजें अवश्य पंचायत में हर एक सभा में उसका इंफॉर्मेशन दें। इंप्लीमेंट करते समय और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं, जो गतिविधियाँ निर्धारित किया गया है योजना के अनुसार, उसे आपस में बांटें या फिर वो जिम्मेदारियाँ खुद से लें। तो ये जो जिम्मेदारियाँ लेने वाली बात होती है, इसमें एक
चीज ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी को कोई जबरदस्ती कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाए। जो सदस्य हैं, जो समुदाय है, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी खुद से लें। जो काम वो कर सकते हैं, जो जिन काम में वो मदद कर सकते हैं, वो जिम्मेदारी वो खुद लें, उन्हें कोई किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती ना करें। योजना को कारगर बनाने के लिए, उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है इसकी रेगुलर रिव्यू करना। योजना हम किन किन चीजों में आगे बढ़े हैं, क्या क्या चीजें जो योजना के अंदर हमने बनाए थे, जो निर्धारित किया गया था इस साल के लिए, इनमें से किन किन चीजें ऑलरेडी हासिल हो चुके हैं, कौन कौन सा चीज ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं और कौन कौन से चीजों में हमें दिक्कतें आ रही हैं, कौन कौन सी चीज अभी हासिल करना बाकी है, ये सारी चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। और ये समीक्षा कहाँ पे होनी चाहिए, जब हम मंथली या फिर रेगुलर जब हम SMC और SMDC की मीटिंग करते हैं, वहां पे ये समीक्षा होनी चाहिए। और हर एक समीक्षा में ये भी होनी चाहिए कि आगे जो काम रुका हुआ है उसे आगे कैसे बढ़ाएं, और जो अभी तक हासिल नहीं हो पाया है उसे हासिल करने के लिए हमें क्या क्या गतिविधि की आवश्यकता होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर सही तरीके से होता है और नियमित होता है, तो आप विद्यालय के लिए एक अच्छी योजना भी बना सकते हैं और उसे कारगर तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विद्यालय के विकास में, और खास करके बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसके लिए। हो सकता है ये प्रोसेस आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, बहुत सारी आपको लग रहा हो कि बहुत सारी चैलेंजेस आपके सामने हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आपके सामने आएंगी ये प्रोसेस करते वक्त। लेकिन यकीन मानिए, पहले पहले मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार आप ठान लेंगे, एक बार एक प्रधान शिक्षक के हैसियत से अगर आप विश्वास कर लेंगे कि आप कर सकते हैं, तो फिर ये खुद ब खुद आसान हो जाएगी। क्योंकि एक हिप टीचर की कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने विद्यालय के बारे में सोचे, अपने विद्यालय के विकास के बारे में सोचे और अपने विद्यालय के बच्चों के विकास के बारे में सोचे। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो आपके बच्चे हैं, जो कि आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके प्रति कहीं ना कहीं आप अन्याय कर रहे हैं। तो चलिए साथ मिलके ये प्रोसेस करें, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएं और विद्यालय के विकास में सहयोग दें। अगर आपको इस संदर्भ में कोई भी जानकारी की आवश्यकता हो, कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो, तो आप हमारी संस्था ट्रांसफॉर्म स्कूल्स पीपल फॉर एक्शन से संपर्क कर सकते हैं और ये सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।